देखेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, जू है क्यों कांपती, बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता, जनता बोल, आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। जहां भी हम ये समझते हैं कि हमारी बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा महफूज है, हमारी बेटी को सबसे ज्यादा नापाक नजरें वही देख रही होती है। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अभिभावकों की है और सबसे सजग वही लोग। पैर बचाना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन पहले ये खुद बच जाएंगे। मेरा ये कुछ नसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूं। क्या समाज की सोच में कोई बदलाव आया है? जो निर्भया के साथ जो घटना घटी है और सबसे ज्यादा जिसने क्रूर हरकत की है वो नाबालिग था। किसानों की ये स्थिति होगी, किसान को भिकमंगा बना दिया है। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सर्च करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, जू है क्यों कांपती, बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता, जनता बोल, आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। जहां भी हम ये समझते हैं कि हमारी बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा महफूज है, हमारी बेटी को सबसे ज्यादा नापाक नजरें वही देख रही होती है। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अभिभावकों की है और सबसे ज्यादा कम सज वही लोग। पैर बचाना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन पहले ये खुद ही बच जाएंगे। मेरा ये कुछ नसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूं। क्या समाज की सोच में कोई बदलाव आया है? जो निर्भया के साथ जो घटना घटी है और सबसे ज्यादा जिसने क्रूर हरकत की है वो नाबालिग था। किसानों की ये स्थिति होगी, किसान को भिकमंगा बना। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। हरिद्वार पहुंचे बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज के विवादित बोल, कहा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बन जाएगा राम मंदिर, पत्थर तराशने का काम है जारी, बीजेपी के एजेंडे में हमेशा रहेगा राम मंदिर। व्यवस्था परिवर्तन मंच के तरफ से आयोजित मैराथन की दौड़ में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत, मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ दूर धावकों के साथ खुद दौड़े सीएम हरीश रावत।
बीजेपी के विधायक हरवंश कपूर ने लगाया सरकार पर नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप। कहा, मेरे ही विधानसभा के कार्यक्रम में सरकार ने मुझे नहीं बुलाया, क्षेत्र में विकास के कार्यों की लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। मसूरी में हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, खनन कर रहे कई गाड़ियों को किया जब्त, रात के वक्त भी प्रशासन कर रहा है औचक निरीक्षण। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था की स्थिति सवालों के घेरे में है। खासतौर पर चोरों की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस प्रशासन के दबों की पोल खोलकर रखी है। किस के घर पर कब चोर हाथ साफ कर ले जाए, इसका पता ही नहीं चल रहा है। पुलिस ने चोरी की कुछ घटनाओं का खुलासा जरूर किया है, लेकिन पुलिस डाल डाल तो चोर पात पात नजर आ रहे हैं। पुलिस भी मानकर चल रही है कि चोर बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन इसका करारा जवाब पुलिस अभी तक तलाश नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि राजधानी में इस समय चादर गिरोह से लेकर टोटका गिरोह तक सक्रिय बताया जा रहा है, जो कि अपनी एक खास शैली में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनकी निगाहें उन घरों पर ज्यादा होती है जहां पर या तो मकान मालिक रहते नहीं है, या फिर वो कहीं बाहर होते हैं, या फिर उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जहां पर बुजुर्ग रहते हो। लोगों के अंदर खासा दहशत का माहौल है, लोग घर खाली छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। हालांकि पुलिस कह रही है कि चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल कब तक, जब तक पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाती, घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाती, लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। क्या वो इस दहशत में घर पर ताला मारकर निकलने जाए, जब तक वो वापस नहीं आ जाएंगे तब तक उनका सब कुछ लुट चुका होता है। तो आज की हमारी खास चर्चा इसी पर, जहां पर हम जिक्र कर रहे हैं सवालों के घेरे में जिस तरीके से देहरादून पुलिस नजर आ रही है, जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तमाम अलग अलग तरह के नाम के गिरोह अलग अलग तरह की शैली में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार इससे क्या, बड़े ही शांत वातावरण के लिए मशहूर देहरादून जो जाना जाता है, वहां पर इस तरह की घटनाओं से क्या संदेश जा रहा है। चादर लगाकर शटर को उखाड़ने का प्रयास किया है। पुलिस ने अपनी टीमें अलग अलग जगह पर भेज दी है, इस पर काम चला है, जल्दी वो हमारी गिरफ्त में होंगे जी। पुलिस के सामने सही में चैलेंज है, जो बंद घरों में चोरियां हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई है, हम लोगों ने सत्यापन अभियान तेज करा दिया है। उसके साथ साथ जो पुराने चोर है उनका वेरिफिकेशन जारी है, अभी दो चोरियों का खुलासा ऑलरेडी अभी आज हुआ है, और जो चोर हमें चैलेंज करे उसको चैलेंज के रूप में मान के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चोरियों का खुलासा। तो आखिर कैसे, जिस देहरादून को हम शांत वातावरण के लिए जानते हैं, पीसफुल सिटी जिसे कहा जाता है, वहां पर जब इस तरह की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ेंगी, कैसे माहौल को हम शांत कर पाएंगे, कैसे लोगों के मन से भय को बाहर निकल पाएंगे, आज की चर्चा का विषय है। हमारे साथ तीन खास बेहद मेहमान देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ साधना शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास चर्चा में। इसके साथ ही साथ हमारे साथ सुशील कुमार सिंह जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ पुरुषोत्तम भट्ट है, अध्यक्ष अपना परिवार संस्था के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा शुरू करने सबसे पहले हम साधना शर्मा जी के पास चलेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता है। साधना जी, देहरादून का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, एक पीसफुल सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब बात कानून की आती है तो आखिरकार किस तरह का माहौल इस वक्त है, किस तरह की चर्चा इस वक्त है, जहां पर लोग अपने घर को खाली छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। जब से ये राजधानी बनी है चोरों का आतंक यहाँ इस कदर समा गया है कि आज ना तो महिला तो दूर, आम आदमी भी ना तो घर में सुरक्षित है और ना बाहर सुरक्षित है। आए दिन इतने चोरों की वारदात होती है, ना तो चोरों की कोई ड्रेस है, वो अपने घर में ऐसे आते हैं जैसे कोई मेहमान हो या कोई घर देखने आ रहा हो या किसी बात को पूछने के लिए, और आराम से आके बैठ जाते हैं घर में और बात करते हैं और चाय पीते हैं, और बाद में लूट मार करके बुजुर्ग बेचारे महिला को मार पीट के उन्होंने उसको मारा और उसके घर से सारा सामान लूट के अभी रेस्ट कैंप की ये वारदात है जो अभी कुछ दिन पहले की है।
तो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। और आए दिन जो मैं कहूंगी कि इसमें जो मेन कारण है वो हमारी जो सामाजिकता है वो दिन दिन खंडित होती जा रही है। आसपास में लोग संबंध नहीं रखना चाहते, एक दूसरे से बातचीत करना नहीं चाहते, और वही कारण है मेन रूप से कि लोग आपस में जब तक मिलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा किसके घर क्या हो रहा है। आपस में जब तक पता नहीं चलेगा जब तक लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे। जी, एक 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 काफी अहम मुद्दा है जो कि आपने जिक्र किया, हम अगले पड़ाव में इस पर जरूर चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम भट्ट जी से जानना चाहेंगे, पुरुषोत्तम भट्ट जी क्या कुछ वजह नजर आ रही है कि आखिरकार चोरों के अंदर भय लगभग उत्तराखंड में देहरादून में अगर खासतौर पर जिक्र करें इतना खत्म हो गया है कि बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से वो आते हैं अपनी खास शैली में चोरी करते हैं और घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। इससे क्या संदेश जा रहा है देहरादून के लिए और खास तौर पर जिस देहरादून को लगातार चमकाने का जिक्र चल रहा है, छवि को बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या कुछ भय का माहौल जब अंदर ही नजर आ रहा है? इसमें टोटल मिसमैनेजमेंट जी, जो हमारा फेलियर है वो हमारा कहने का मतलब यह है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि सारे वीआईपी की ड्यूटी में, पुलिस वाले लगातार राजधानी होने के जो वीआईपी ड्यूटीज में लगे हुए हैं जी, अपनी ड्यूटीज वो कर नहीं पा रहे हैं। और आपको मैं एक बहुत अहम बात बताता हूं कि सुबह आप चौराहों में देखोगे भिखारियों की संख्या हमारे क्षेत्र में इतनी ज्यादा हो गई है जो अन आइडेंटिफाई है, अचानक कहां से इतने सारे भिखारी आ गए हैं और कहां से ये आ रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है, किसी का वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा अपना परिवार लगातार समाज से भी एकजुटता की गुहार लगा रहा है कि जब तक समाज प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी लिमिट्स है, पुलिस की अपनी लिमिट्स है, राजनेताओं की अपनी लिमिट्स है, तो समाज की भी एक जिम्मेवारी बनती है। जब तक जितना भी सभ्य समाज है और जितने भी सभ्य हम लोग हैं, जब तक हम एकजुटता नहीं दिखाएंगे, आपसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो ये इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। जी सुशील जी, सवाल ये भी है कि आखिरकार क्या ये मुद्दा लगातार अगर हम देखें एक वर्चस्व का बन गया है, राजनीति भी इस पर हो रही है, विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा देती है कि दरअसल उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, सरकार टाल देती है विपक्ष पर कि दरअसल आप तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कैसे ये मामला थमेगा और क्या वाकई में ये मुद्दा भी उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर, राजधानी के अंदर एक राजनीति का मुद्दा बनता नजर आ रहा है जिस पर अलग अलग तरह से उसका क्रेडिट और जो उसकी खामियां हैं वो एक दूसरे पर डालने की कोशिश हो रही है? ये कब से शुरू हुआ ये? जी आप देखेंगे कि ये चोरी वगैरह की जो वारदात है जी, ये ज्यादा कब से शुरू हुई है? आप एक एक जो जैसा कि आपने पहले ही उल्लेख कर दिया था कि एक शांत देहरादून में ये सब हो रहा है, इसके पीछे आप अगर पूरी वजह को तलाशेंगे तो दो चीज हमको जो ठीक से समझ में आती है, एक तो देहरादून में निरंतर बढ़ रही संख्या है, पॉपुलेशन, और उसके साथ बहुत सारे कमियां इस नजर से हैं कि ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है जी, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बहुत सारे क्षेत्रों से लोगों की बड़ी आवाजाही है, और जहां पर व्यवसाय और विकास का एक मंजर बनने लगता है, एक तैयारी हो जाती है, वहां पर इन वारदातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। किसी भी शहर का आप आकलन करेंगे तो कम ज्यादा ये आपको जरूर मिलेगा जी, देहरादून भी अब उसी में शुमार होता जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, मैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो पुलिस को आपको उस स्तर पर काम करना पड़ेगा पुलिस के साथ, क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि पहले जब हम लोग 10 साल पहले यहां पर देखते थे तो इतनी बातें नहीं होती थी, हत्या नहीं होती थी, चोरी नहीं होती थी, यदा कदा अगर हो भी जाती थी तो इस पैमाने पे नहीं थी, तो हम लोग उसके बारे में राय ये होती थी कि पुलिस को फिर इतना ट्रेंड करने की या इतने चौकस रहने की भी जरूरत नहीं है जी। सपोज हमारे घर में कोई चोरी करने नहीं आ रहा, हम भी ताला खोल के जा रहे हैं या हम भी लापरवाही कर रहे हैं जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को भी चौकस होना चाहिए और पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये शहर का पिछले 15 सालों में जो मिजाज बदला है उसमें आवाजाही बदली है, अलग अलग लोगों का आवाजाही हुई है, इसके बीच में जैसे कहते हैं ना गेहूं के साथ लेंटेना आ जाता है, वैसे सब लोगों के साथ कुछ चोर उचक्के भी आ रहे हैं, वो भी आ गए। पुलिस को भी चौकस करिए, जनता भी जागरूक हो, केवल एक पक्ष को हम समझ रहे हैं कि पूरा ध्यान देने के बजाय दोनों पक्ष पर थोड़ा गौर करने की जरूरत। साधना शर्मा जी, हमें रही बात, अगर मैं आपकी राजनीति वाली बात पे आ जाऊं, अगर
आ रहे हैं आपके पास पुरुषोत्तम भट्ट जी, इस मुद्दे पर हम आपके पास आ रहे हैं, उससे पहले दरअसल इसी मुद्दे पर एक चर्चा कर लेते हैं। साधना जी, सवाल यह कि दो पक्ष यहां पर निकल कर आते हैं, एक तरफ जो पुलिस का पक्ष है, पुलिस को अपनी कार्यशैली में आज बदलाव करने की जरूरत आन पड़ी है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका जवाब आप बेहतर तरह से दे सकती हैं, समाज का पक्ष है। समाज को अपने अंदर किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है, किस तरह की जागरूकता लाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग पाए। देखिए समाज में कानून हर चीज में देखिए साहस नहीं देता, सबसे इसमें जरूरत मुझे तो समाज की ज्यादा लगती है, क्योंकि समाज में मैंने देखा कि आजकल लोग एक दूसरे से कम मिक्सअप होना चाहते हैं। ग्रुप में तो मिलते हैं, फिर किसी पार्टी में मिल गए, किसी फंक्शन में मिल गए, लेकिन आपस में एक दूसरे का हालचाल जानना नहीं चाहते। मैं देखती हूँ आस पड़ोस में लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं, क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं, जब तक वो व्यक्ति जिसके घर कुछ गुजर रहा है वो जब तक अपने आप स्वयं जाके नहीं बताएगा कि मेरे साथ ये गुजर रहा है, मैं ये पीड़ित हूँ, इस तरह से पीड़ित हूँ, तब तक कोई आदमी उसके बीच में इंटरफेयर करके ये नहीं पूछता कि आप कैसे हैं। मैंने कई जगह देखा है कि आसपास में जो लोग हैं वो बात तक नहीं करते, महीने महीने हो जाते हैं जी। और भी जब घर में ताला लगा होगा तो हम भी ये सोचेंगे कि वो व्यक्ति शायद आ गया होगा, या वो व्यक्ति आने वाला होगा, या उसका कोई रिश्तेदार होगा अगर आस पड़ोस में आ रहा है, तो इस चक्कर में आपस में जो इंटरेक्शन है ना वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। तो जब तक हम लोग आपस में मिलके ये मोहल्ले में, जैसे अभी मैं कह बताती हूँ कि MDDA ने क्या करा कि सारी कॉलोनियों में एक दरवाजा बड़ा बड़े लगाने का एक प्रावधान रखा, कई कॉलोनियों में वहाँ गेट लगे, लेकिन क्या है कि हर एक पॉश कॉलोनी के साथ एक मलिन बस्ती भी है, लेकिन वो मलिन बस्ती में जाने का एक रास्ता, अब विधायक जी कहते हैं कि अगर ये गेट बंद होगा तो मलिन बस्ती वाले लोग कैसे जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है ना कि जिसमें जुड़ के बैठ के जब तक बातचीत नहीं होगी इस समस्या से एक मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, यही हो सकता है कि मोहल्ले वाइज दूसरा मुद्दा अपने आप में खड़ा हो जाएगा, मोहल्ले वाइज हम लोग जी 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 एक ग्रुप बनाए और एक दूसरे को बताएं कि हमें जरूर आपस में मिलकर रहना चाहिए। आज आप देखोगे, कल को हम देखेंगे, कल को आप देखोगे, तो ऐसे जब तक एक ग्रुप नहीं बनाया जाएगा जब तक इस समस्या संस्थाओं की भूमिका किस तरह से होनी चाहिए, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए, ये भी अपने आप में चर्चा का विषय बनता है। पुरुषोत्तम भट्ट जी, जैसा कि आपने जिक्र किया अपना परिवार लगातार, साधना जी आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आते हैं और उस पर जरूर आपसे हम आपकी राय लेना चाहेंगे, आप जो बात बताना चाह रही हम जरूर जानेंगे। पुरुषोत्तम भट्ट जी, आपने अपनी बातों में जिक्र किया था कि अपना परिवार लगातार इस तरह से कार्य कर रहा है, आज उन तमाम संस्थाओं को किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है ताकि वाकई में समाज में जागरूकता आ पाए, और खास एक वजह देखें इसका तोड़ क्या है, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं, उन पर सवाल उठते हैं, पुलिस कुछ दिनों बाद घटना का खुलासा भी कर देती है, लेकिन इसका मतलब घटनाएं रुक नहीं रही हैं। देहरादून शहर में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं और अपना परिवार लगातार इसमें हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग चार चीजें लेके कहते हैं हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले हम सुरक्षा, हर आदमी सुरक्षित हो जी, हर आदमी को सम्मान मिले, हर आदमी की समृद्धशाली हो और समाज में जागरूकता हो जी, और समाज में एकजुटता हो, हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। हम पुलिस के साथ मिलकर भी हमने नशा मुक्ति पे और कहते हैं जो वेरिफिकेशन वगैरह के कई कार्यक्रम में हमने पुलिस के साथ मिलकर भी भाग गया, क्योंकि पुलिस भी तो समाज का हिस्सा है, पुलिस भी तो हमारे ही भाई बंद है, पुलिस में भी लोग हमारे ही हैं, हम लोगों को समाज को भी पुलिस के साथ मिलकर बहुत काम करना पड़ेगा जी। तभी कहते समाज जागरूक होगा। आज किसी के घर में चोरी होती है तो पड़ोसी कहता हो गई हमें क्या लेना, लेकिन जब तक ये भाव रहेगा, जब तक पड़ोसी के घर में चोरी का मतलब मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे शहर में चोरी है, मेरा शहर परेशान है, जब तक इस तरह का भाव नहीं आएगा, जब तक हम समाज के लोग खड़े नहीं होंगे, जब तक हम सोचेंगे ये काम तो नेताओं का, ये काम पुलिस वालों का, अगर हम ये भाव लेके चलेंगे तो ये घटनाएं लगातार चलती रहेंगी। तो अपना परिवार लगातार ये प्रयास कर रहा है कि समाज में एकजुटता हो और समाज बिल्कुल सुरक्षित महसूस करे, तो हम लोग इस प्रयास में लगातार लगे। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम देखें, हम वापस सुशील कुमार सिंह जी के पास चलेंगे, उनकी बात अधूरी रह गई थी जिस मामले पर उन्होंने अपना पक्ष रखा था, और दूसरा मुद्दा जो अहम था राजनीतिकरण का, कानून व्यवस्था पर जिस तरह से लगातार राजनीति हो रही है, क्या इसकी वजह यही है कि घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और पुलिस को भी अपनी कार्यशैली में जो बदलाव करने की जरूरत है शायद वो ना हो पा रहा हो। असल में देखिए कानून व्यवस्था में जब हम जोड़ते हैं किसी चीज को तो वो हम जिले स्तर पे लाए अगर, तो इसमें जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ये मिलकर के कानून व्यवस्था को साधते हैं जी। आप और
आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो थाने हैं, चौकियां हैं, उसमें सिपाही हैं, दरोगा हैं, कितने पैमाने पे हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इसके साथ जनता का क्या सरोकार है, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखेगा। जहां तक इसमें राजनीति का सवाल है, क्या पीछे के लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनके टाइम में पुलिस नहीं थी या उनके टाइम में कोई घटना नहीं होती थी? अगर इस व्यवस्था को शुरुआती दिनों से ही अमली जामा सुधारात्मक पहनाया गया होता तो व्यवस्था इतनी ना बिगड़ती। दूसरी चीज आपको सर मैं एक बात बोल दूं, केरल के आप पुलिस मॉडल को देख लीजिए, 8 घंटे की वो ड्यूटी करते हैं। हमारे यहाँ पुलिस को आप दिन रात ड्यूटी कराएंगे तो वो ड्यूटी पे सो जाएगा। और जहाँ चोरी हो रही है क्या वहाँ पुलिस नहीं है? आप इंक्वायरी करके देखेंगे तो लोग कहेंगे नहीं साहब वहाँ तो 4 पुलिस वाले खड़े थे, ये थे वो थे। लेकिन कहने का मतलब कि जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिसके ऊपर आपने दिया है उसको राहत कितनी है, उसको सुविधा कितनी है, क्योंकि समाज के हिस्से होने के बावजूद वो मशीन नहीं है। यांत्रिक चेतना में मत रहिए, इसका एक मानव आस्पेक्ट भी देखें कि एक पुलिस वाला हमारे घर की रखवाली करेगा और हम बेपरवाह होकर घूमेंगे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कानून व्यवस्था के लोगों को, लेकिन हम अपने पुलिस व्यवस्था को, धर्मवीर कमेटी को देखें, सर्वोच्च न्यायालय पुलिस पे बात करती रहती है, प्रकाश सिंह जो डीजीपी रहे उनकी पूरा इस पर सुधार का आयाम ही आया है, लेकिन क्या हमारे राज्यों ने इन सुधारों को अपनाया है? और जब घटनाएं इस तरह से क्राइम बढ़ता है, चोरी बढ़ती है, तो हम पुलिस पर ये बातें डाल देते हैं, जबकि पुलिस को भी सुधारने की जरूरत है। पुलिस पे ही ये जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था उन्हीं का हिस्सा है, राज्य सरकार का हिस्सा है। इसमें समाज, हम थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं, वो लापरवाह नहीं, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसे से उनका काम चलता है, तो हमारी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, उससे बच नहीं सकते। लेकिन हमारे स्तर पे भी कुछ काम हो और पुलिस में एक बेहतर सुधार लाएं, तो शायद इससे अभी इतना बात बिगड़ी नहीं है। चोरियां हुई हैं, मैं अखबारों में पढ़ा कि 13-14 चोरी दो महीने के अंदर हुई है। कुछ चोर कल पकड़े गए, दो दिल्ली के थे, और एसएसपी साहब को मैं सदानंद दाते जी से मेरी एक आध बार मुलाकात है, मैंने भी वो ठीक है, चुस्त दुरुस्त है, उन्होंने काफी उसके पहले भी नैनीताल हल्द्वानी में बड़ा अच्छा काम किया था, वो अपने स्तर पे काम कर रहे होंगे। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि पुलिस को अच्छा ट्रेंड करिए, समाज के साथ सरोकार हो, और समाज में जैसे कभी मैडम भी कह रही थी कि समाज के लोगों को भी थोड़ा खुल कर आना चाहिए और इसमें पॉलिटिक्स न करें। प्रदेश भाजपा का भी है और कांग्रेस का भी, बिल्कुल उनका भी है। साधना शर्मा जी जी, मैं ये कह रही थी कि अभी पिछले दिनों की बात है कि एक हमारे घर में अनकम्प्लीट मकान था, तो उसमें एक चोर घुस गया और घुस के हमने ही उसको कहा कि ये आदमी पता नहीं कौन है, इनके घर में घुस रहा है। हमने उसको बुलाया और पूछा कि तुम क्या, उसने कहा मेरा मोबाइल गिर गया था इस घर में, मैं इसलिए कूद के उस मोबाइल को लेने गया था। लेकिन वो मोबाइल लेके अंदर से निकलेगा कैसे, वो सीढ़ी लगा के ही घुसा था और सीढ़ी लगा के ही बाहर आया। फिर इसी बीच मैंने चीता फोर्स को और सब सबको पार्षद वगैरह को सबको इकट्ठा किया, वो पुलिस आई वहाँ पे और उसको बुला के ले गई और थोड़ी देर में क्रॉसिंग पे ही पुलिस ने उसको छोड़ दिया जी। और मैंने पूछा कि उस व्यक्ति का तुमने क्या किया, तो बोले कि वो जो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर था इसलिए मैडम वो चोर वोर नहीं था, हमने तो उसे छोड़ दिया जी। लेकिन वो चोर ही था जी। ऐसी छोटी छोटी वारदातें करके ही वो बड़ा चोर बन जाता जी। अभी तो वो शटरिंग जो होती है लेंटर में लगाने वाली, वो 2-3 पकड़ के वो ले जा रहा था। हाँ, बिल्कुल। कई बार इस तरह की घटनाएं, छोटी बहुत सारी, ऐसे में समाज में बदलाव लाने की जरूरत है, समाज को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। खासतौर पर अगर हम एक तरफ पुलिस विभाग का जिक्र करें तो जहां देहरादून की पुलिस का जिक्र करें तो आखिरकार कहां ढिलाई होती नजर आ रही है और आखिरकार क्यों चोरों के इतने हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पुरुषोत्तम भट्ट जी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को जी। जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये लोग बस्तियों में और कहते हैं इस क्षेत्र में लगातार वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है, समाज के हर पहलू को हमें ध्यान देना होगा, प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना होगा और समाज को भी ध्यान देना होगा। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और उसको पुलिस छोड़ती है तो उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, समाज के हिस्से को भी उसमें जाके मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि भाई इसको छोड़ क्यों दिया गया। तो समाज को हमारा इस वक्त जो है सबसे ज्यादा समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान चारों तरफ से नुकसान समाज का ही हो रहा है जी। समाज का बहुत बड़ा नुकसान, अगर समाज में एकजुटता नहीं आएगी, अगर समाज इन मुद्दों को हम लोग आगे नहीं लाएंगे। मैं तो साधना प्राइम चैनल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगातार वो इन सामाजिक मुद्दों को आप लोग बार बार उठा रहे हैं और हम लोगों को बुलाते हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुशील कुमार जी, जिक्र यहाँ पर जिस तरह से अभी पुरुषोत्तम भट्ट जी ने अपनी बातों में एक मॉनिटरिंग का भी किया है,
इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम होने चाहिए ताकि वाकई में समय समय पर इसका आकलन किया जा सके कि जो लोग, जैसा कि हमने जिक्र किया था इसके पहले, देहरादून में अगर हम देखें यूपी से जुड़ा हुआ है, कई लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं और कब वहाँ पर रुक रहे हैं, कब यहाँ पर वो स्टेबल हो रहे हैं, किस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसका आकलन और इसका मॉनिटरिंग क्या अब जरूरत आन पड़ी है कि हो, और बेहद जरूरी है ये? नहीं, ये तो होता रहा है। मैं आपको बोलूं, किराएदार को रखिए, वेरिफिकेशन कराइए, ये भी नियम है जी। लेकिन कोई कोचिंग सेंटर चलाता है उसके स्टूडेंट का लिस्ट दीजिए विजिलेंस को, ये भी रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो जो आप इस तरह से सीमा से पकड़ के चेक नहीं कर सकते हैं, इसके सख्ती देखिए। मैं एक बात चलते चलते बोल दूं, पुलिस का मतलब है कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो समाज के हिस्से हैं तो समाज की तरह ही रहें, उनको थोड़ा अलग हट करके एक शक्ति लाएं और थोड़ा सा अपना जो संदर्भ है उसको थोड़ा सा मजबूत बना दें कि लोग डरें, चोरी करने से पहले डरें। हालांकि कानून में देखेंगे पहले से लोग डरना कम कर दिया है, शायद उसकी काट भी निकल आई है, लेकिन फिर भी अभी उत्तराखंड पुलिस में इस बात का अभाव मैं देखता हूं कि डर वाली बात अभी लोगों में नहीं आई है। अगर ये ला दिया जाए तो कुछ चोरी, छोटी मोटी चोरी तो रुक जाएगी, बाकी चीजों के लिए पुलिस निपट लेगी। और जनता साथ दे जी, जनता पुलिस को सिर्फ आलोचना या राज्य सरकार की आलोचना, क्योंकि ये हमारे घरों का है। अब देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, किसी के ऑफिस में चोरी हो गया, पता चला कि उसका शटर कमजोर था, उसका ताला मजबूत नहीं था, ये सब पर भी हमें ध्यान देना होगा। मतलब हाँ, और खास तौर पर अगर हम पुलिस वेरिफिकेशन का जिक्र करें तो इसमें कई बार हम देखते हैं जिम्मेदारी दोनों पक्षों की निकल कर आ जाती है, जहां पर जो लोग होते हैं जो किराएदारों को रखते हैं वो उसमें पूरी तरह से जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखा पाते हैं, और कहीं दूसरी तरफ जो लोग वहां पर रहने जाते हैं अगर वो उनकी जिम्मेदारी अपनी पुलिस वेरिफिकेशन कराने की तो वो भी जुगाड़ तिगाड़ निकालकर उसे वेरिफिकेशन करा लेते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा नुकसान आने वाले समय में और अगले समय में ज्यादा नुकसान होता है। साधना शर्मा जी, जी मैं बता दूं आपको कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके यहाँ जो मकान में जो लोग रहते हैं उनके सत्यापन के लिए तो पुलिस आती है, लेकिन मलिन बस्तियों में जो अपराध पनप रहा है उसके लिए कोई सत्यापन नहीं है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी मलिन बस्ती है, वहाँ जो जिसका किसी का रिश्तेदार आता है वो सब्जी की ठेली लगाता है, अगले दिन वहीं रहने लग जाता है, उसका सत्यापन क्यों नहीं करवाती पुलिस? और वही लोग चोरियों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो डकैती और चोरी में जितने भी वहां के अपराध मलिन बस्तियों में पनपता है इतना कहीं नहीं पनपता जी। और वहां का सत्यापन नहीं है, वो सारे नेताओं उन्होंने बसा रखा है, इतनी सारी मलिन बस्तियां यहाँ पे जिनका नियमितीकरण भी होने वाला है जी। और बेहद जरूरी है यहाँ पर पुरुषोत्तम भट्टी, जब तक नेता पुरुषोत्तम भट्टी से भी एक आखिरी राय लेना चाहेंगे क्योंकि अब समय भी कम है। पुरुषोत्तम भट्टी, कैसे इसे हम रोक पाएंगे, एक आखिरी राय, छोटी सी राय आपसे चाहते हैं। अभी आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा शो होने जा रहा है जिसमें 20 या 25,000 लोग कहते हैं खली के शो में आ रहे हैं, तो सिर्फ 700 लोग या 800 लोग अगर कहते हैं 20-25,000 को डील करेंगे तो वो कभी नहीं हो सकता। तो अगर वहां पर कहते हैं पब्लिक भी डिसिप्लिन में रहेगी तो समाज, जैसे अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो बहुत पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है, तो उस वेरिफिकेशन में प्रशासन को और कहते सरकार को जो है समाज की भूमिका निभाने की जरूरत है। अगर हम देखें हम लोग कानून बिगड़ पैसे के साथ सरकार के साथ और प्रशासन के साथ काम करना चाहते हैं, हमारी बहुत बड़ी टीम, कानून की छवि तभी हम बना पाएंगे और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा पाएंगे। फिलहाल समय की कमी, इसलिए साधना शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील कुमार सिंह जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पुरुषोत्तम भट्ट जी आपने हमें समय दिया, हमारे साथ चर्चा की, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी वक्त यहाँ पर यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, फिर वो चाहे समाज के वर्ग को लेकर हो चाहे पुलिस विभाग को लेकर हो, तभी हम इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं। हमारी खास पेशकश में तनाई प्राइम न्यूज पर खबरें जारी है। सुख का आधार है योग, खोले का सुख, समृद्धि और शांति का रास्ता, तन स्वच्छ और मन प्रसन्न, रग रग में होगा असीम ऊर्जा का संचार। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और सभी दिशाएं होंगी एक साथ, उन्नत होगा जीवन, मिलेगा सुख अपार, अवसाद, चिंता
और तनाव से मिलेगी मुक्ति, अद्भुत और दिव्य होगी अनुभूति। योग ऋषियों का ज्ञान है, प्रकृति का वरदान है। करके योग गंगा में स्नान, मिटेंगे रोग और विकार। योग से होगा तन में जोश, मन में उमंग, बढ़ेगा आत्मविश्वास।